दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों फिर से एक नए बिजनेस आइडिया के साथ मैं आप लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे बिजनेस के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो आप थंबनेल पर देखकर और पढ़कर ही समझ गए होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को केवल देखकर कभी भी बिजनेस शुरू करने की कोशिश न करें, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा मैं केवल लोगों तक यह जानकारी पहुँचाता हूँ कि यह भी एक बिजनेस है जिसे आप कर सकते हैं। अगर आप सचमुच में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस बिजनेस से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के बारे में मैं इस वीडियो में बताया हूँ। लेकिन बिजनेस को शुरू करने के लिए यह जानकारी काफी नहीं होगी, लेकिन आपको काफी हद तक इसके बारे में आइडिया जरूर मिल जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि इस बिजनेस में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि आज इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ही ज्यादा है। इसका यूज हर जगह है। अगर आप इसकी प्लांट को लगाते हैं तो एक ही प्लांट से सभी साइज के नट और बोल्ट का उत्पादन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो इस चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो अलग अलग तरह के बिजनेस के बारे में जानकारी देते हैं, जिसे आप चैनल के नाम पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि किसी भी बिजनेस को बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए हमें कुछ फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी होती है, जो इस प्रकार है। पहला, उद्योग आधार। gov.in में हमें अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दूसरी, GST रजिस्ट्रेशन, यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन। इसे आप ऑनलाइन या किसी CA को हायर कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए दो तरह की फंडिंग की आवश्यकता होती है। पहला, फिक्स्ड कैपिटल यानी कि निश्चित पूंजी। दूसरा, वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी, जिसे आप कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट की सुविधा से उठा सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान जैसे माइक्रो फाइनेंस या सहकारी समितियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, आप MSME के तहत लोन भी ले सकते हैं। दोस्तों सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद हमें जरूरत होगी मशीन की। दोस्तों आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी इंटरनेट एवं न्यूज़पेपर से ली गई जानकारी पर आधारित है। यह जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए दी गई है। आप अगर इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं और बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत एवं लगन की जरूरत होगी। इसलिए आप कोई भी बिजनेस शुरू करें तो अपनी सूझबूझ से ही शुरू करें, क्योंकि हर कोई किसी भी बिजनेस को मुनाफे के लिए शुरू करता है, लेकिन उसे कभी कभी लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।